प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यह जो अभी का दौर है ये भारत का दौर है और इसीलिए लाल किले के प्राचीर से भी उन्होंने कहा यही समय है और सही समय है। तो वो जो सही समय है ये भारत के गौरव का और भारत का दौर है ऐसा हम मानते हैं। पिछले 10 वर्षों में आध्यात्मिक जगत हो चाहे सांसारिक जगत हो देश में बदलाव का दौर देखा है। आज से 10 साल पहले हम कहीं न कहीं हीन भावना से ग्रसित हो रहे थे। हमारा नेतृत्व वह दिशा वह दृष्टि वो दिशा नहीं दे पा रहा और इसीलिए हम सब लोग जानते हैं कि एक ऐसा दौर आया जब भारत पिछड़ता हुआ दिखा, इसकी आध्यात्मिक शक्ति क्षीण होती हुई दिखी और नेतृत्व का बल कभी भी सात्विक शक्तियों को नहीं मिला। इस कारण से धीरे धीरे भारत पिछड़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में एक बदलता दौर हमने देखा और जब हम बदलते दौर की बात करते हैं तो भूख की राजनीति से लेकर विदेश नीति तक हर जगह भारत का परचम प्रधानमंत्री मोदी जी ने लहराया और भारतीय विचारधारा को सात्विक विचारधारा को आगे बढ़ाया है। हम यह भी देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 21वीं शताब्दी भारत की जागृत अवस्था की शताब्दी बन रही है, यानी भारत अब जागृत अवस्था में हमको दिख रहा है और इसीलिए यही तभी संभव हो पाया है कि हम 500 साल के संघर्ष के पश्चात जिस लड़ाई की शुरुआत और उसकी नींव इसी हरिद्वार की पूज्य भूमि पर रखी गई थी उसको साकार होते हुए 500 साल के संघर्ष के बाद हमने रामलला का प्राण प्रतिष्ठा देखी और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हमने देखी और रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए। खुशी की बात यह है कि एक दौर यह भी था जब प्रधानमंत्री मंदिरों से मठों से दूर रहा करते थे और मोदी जी के नेतृत्व में यह भी दौर हमने देखा कि कठोर सात्विक अनुष्ठान के 11 दिन के पश्चात प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए आए तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, यह भी हम लोगों ने देखा। यह बदलता दौर हम लोगों ने देखा है और इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह जो दौर है वो भारत का 21वीं शताब्दी का जागृत भारत की अवस्था का दौर है।